हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे परवल आलू का भुजिया, जो कि बहुत ही मज़ेदार और चटाखेदार बनती है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं और सफ़र में लेकर जाने के लिए ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आप इसे पूरी या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इसे एक बार मेरे स्टाइल में ज़रूर बनाएं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। फिर चलिए ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 250 ग्राम परवल लिया है मैंने, और दो मीडियम साइज़ के आलू और दो प्याज। तो सबसे पहले परवल को हम खुरच लेंगे इस तरह से। इसकी जो ऊपरी परत है उसे बस खुरच लेंगे हम। हमें इसका छिलका नहीं निकालना है, ये देखिए। और इसे बीच में से कट करके इसके मोटे मोटे टुकड़े काट लेने हैं, ये देखिए। इस साइज के हम परवल कट कर लेंगे। फिर हम आलूओं को भी छील कर उसके भी मोटे मोटे टुकड़े कट कर लेंगे, ये देखिए। वैसे तो आप इसे किसी भी साइज और शेप में कट कर सकते हैं, पर मैं इस तरह से इन्हें कट करूंगी। अब हम इन्हें अच्छे से वॉश करके स्ट्रेन कर लेंगे। इधर हम एक पैन में ऐड करेंगे हाफ कप मस्टर्ड ऑयल। जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे परवल और इसे हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, इसे 2-4 मिनट इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई हो जाए फिर हम इसे ऑयल से निकाल कर साइड में रख लेंगे। फिर हम सेम पैन में आलूओं को भी फ्राई कर लेते हैं। तो इसे भी हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है, ये देखिए। ये फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें ऑयल से निकाल कर साइड में रख लेंगे। फिर हम सेम पैन में 2 टीस्पून ऑयल गर्म करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून पंचफोरन। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 4 सूखी हुई लाल मिर्च और 3-4 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई। सारी चीज़ों को थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 प्याज जिसे हमने स्लाइस कर लिया है। अब हम इसे गोल्डन कलर होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए परवल और आलू डाल देते हैं। फिर इसे प्याज के साथ मिक्स कर देंगे और कवर लगाकर लो फ्लेम पर 5 मिनट कुक करेंगे। चार पाँच मिनट के बाद हम इसे कवर हटाकर एक बार चेक करेंगे, ये देखिए। इसे एक बार ऊपर नीचे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे, जैसे कि 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो आप चिली फ्लेक्स ना डालें। इन्हें एक बार मिक्स करते हुए चला लेंगे और फिर इसे कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट और कुक करेंगे। बीच में एक दो बार आप इसे चला लें, जिससे कि सारे मसाले आलू और परवल के साथ घुल मिल जाएंगे। तो ये हमारा आलू पटल का भुजिया बनकर तैयार है। बहुत ही चटपटी और टेस्टी ये सूखी सब्जी बनकर तैयार होती है। वैसे तो ये कई तरह से बनती है, जिसमें कि एक तरीका ये भी है। तो ये गर्मा गर्म परवल आलू का भुजिया रेडी है, सर्व कर लेते हैं। आप इसे पूरी, पराठे या चावल दाल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।